रोपड़ी बगफाल टिक्कर युवक मंडल द्वारा गद्दीधार में छिंज का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर अत्री ने कहा कि छिंज मेले हमारी आस्था व विश्वास के साथ साथ गौरवमयी संस्कृति के प्रतीक हैं। छिंज मेले नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध संस्कृति से रूबरू करवाते हैं और आने वाली पीढ़ियां अपनी इस समृद्ध संस्कृति को याद रखे, इस लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत जरूरी हैं। अत्री ने कहा कि आज के इस तकनीकी युग में हम जीने के पुराने तरीके भूलते जा रहे हैं। ऐसा समय था जब हम हर काम परंपरागत तरीके से करते थे, लेकिन आज इस भागदौड़ और चकाचौंध भरी जिंदगी में हम परंपरागत तरीकों को भूल चुके हैं तथा मशीनों और तकनीकों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यही सही है कि समय के साथ तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी है, लेकिन हमें पूर्वजों द्वारा दी गई गौरवमुखी संस्कृति और इतिहास को याद रखना चाहिए। मेले हमारी आस्था, हमारे विश्वास का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी गौरवमयी संस्कृति की झलक भी देते हैं। इस तरह के आयोजनों से एक तरफ जहां समाज के विभिन्न वर्गों में समरसता आती है, जब इकट्ठा बैठकर विभिन्न समुदायों, जातियों, क्षेत्रों के लोग मेलों का आनंद लेते हैं, उससे समाज की एकजुटता प्रदर्शित होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी नौजवान पीढ़ी को हमारी गौरवमयी संस्कृति का भी झलक देखने को मिलती है। इस तरह के आयोजनों में भाग लेकर जहां एक तरफ हमें कुश्तियां देखने को मिलती हैं, वहीं हमारे युवा साथी जो हैं, नौजवान वर्ग जो हमारे प्रदेश देश का है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है खुद को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर मजबूत करने की। और यही शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत जो युवा वर्ग है, इस राष्ट्र की युवा शक्ति है, और इसी युवा शक्ति को आने वाले समय में अपनी जिम्मेवार भूमिका निभाते हुए अपने निजी लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्र के प्रति जो दायित्व हैं उनका भी निर्वाह करना होता है। मैं इस आयोजन के लिए छिंज कमेटी को बधाई देता हूँ, लांबर बखवाल रोपड़ी युवक मंडल जो है उनको बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं ये जो गौरवमयी परंपरा उन्होंने शुरू की है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे और क्षेत्रवासियों को इस तरह के आयोजनों का आनंद मिलता रहेगा।